हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं एमफेसिस की तरफ से बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट्स जो कि काफ़ी सारे न्यूज़ आई हुई हैं उनके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ज्वाइनिंग 2022 बैच की कब होने वाली है। मेन रिसीव्ड हुआ फॉर ज्वाइनिंग का किसी के पास नहीं हुआ, और एक अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाँ कि ये आप लोगों के पास मेन रिसीव्ड होगा कि नहीं होगा, और उन्होंने ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के लिए क्या कंडीशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो एमफेसिस की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, तो हर एक पॉइंट डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा गाइस आप लोगों को, पूरी अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग और प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन, जिससे कोई भी एमफेसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, NQT एग्जाम्स हो गए, हमारे टैग महिंद्रा हो गए, कैप जेमिनी हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी मैं आप लोगों को डिटेल में बता जाएगा, प्ले लिस्ट देख लेना। गेम फेसेस की जो फेसेस में ज्वाइनिंग हो रही है, तो गाइस आप लोगों की क्या हो रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के पास अगर मेल नहीं आया है तो फेसेस में ज्वाइनिंग करें। काफ़ी लोग हैं जो कि 15 16 17 18 19 फरवरी को जो कि मेल आए हैं, तो उनकी फेसेस में ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब ज्वाइनिंग एक बैच के थ्रू हो रही है। जैसे एक बैच की ज्वाइनिंग हो जा रही है, फिर दूसरी बैच की ज्वाइनिंग हो रही है, फिर तीसरी बैच की ज्वाइनिंग हो रही है, चौथे बैच की ज्वाइनिंग है जो कि बैच में हो रही है, फेजेस हो रहे हैं। जैसे एक फेज़ हो रहा है 10 से 15 दिन के बीच में, जिनके पास मेल आया था उनकी ज्वाइनिंग हो रही है, फिर उसके बाद में दूसरे बैच की हो रही है। तो ये डिले जो चल रहा है 1.5 साल से, यही प्रोसेस चल रही है फेसेस की देखा जाए तो, मतलब 2022 के स्टूडेंट अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, उन्होंने डिले करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिले होता जा रहा है, और मोर देन 1.5 साल तो हो ही गया है, और ये बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग होगी, ये ज्वाइनिंग होगी, वो होगी, ऐसा बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंटों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा आप लोगों का बता दूँ। और हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और प्रेस द बेल आइकन जल्दी से, प्ले लिस्ट देख लेना वहाँ जाके मेरी, ठीक है। सेंडिंग मेल टू एक्सेप्ट ऑफर लेटर, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आ रही है दिमाग में कि काफ़ी लोगों के पास में मेल्स आ रहे हैं कि आप लोगों को ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं तो एटलीस्ट रिवर्ट बैक कर दो। तो ये पता नहीं क्या है कि आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना ही है। ऑफ़र लेटर तो काफ़ी टाइम से भेज रहे हैं, ऑनबोर्डिंग का कोई मैसेज नहीं अभी तक भेजा है उन्होंने, पर ऑनबोर्डिंग की कुछ न्यूज़ सामने आई हुई है कि अप्रैल मई तक इन लोगों की ज्वाइनिंग के, ऑनबोर्डिंग के डिले के जितने भी हैं स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, वो लोगों के साथ मतलब हो सकती है ज्वाइनिंग अप्रैल या मई के तक। अब फेजेस में जैसे भेज रहे हैं ये लोग, एक फेज़ का, दो फेज़ का, काफ़ी लोग स्टूडेंट के मेल आई थी जैसे 15 और 16 फरवरी को आई थी, तो उनके पास ऑफ़र लेटर आ चुके हैं और मेल भी रिसीव हो चुका है उनके पास में। तो ये मेल आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन मांग रहे हैं कंपनी वाले, वो जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जो और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पर गाइस आप लोग इतने साल से वेट कर रहे हैं, समथिंग हो चुका है 12 से 13 महीने हो चुके हैं आप लोग इतना वेट करने के बावजूद भी, अगर आप लोगों ने और किसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं अप्लाई किया हो तो इसमें एक्सेप्ट कर लीजिए। और आई होप गाइस आप लोग को जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर आ जाए, मुझे गुड न्यूज़ सुनने को मिले। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों के कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितने लोगों के पास मेल आ चुका है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, और शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ में जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होगी। थैंक यू गाइस।